मेरा खान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारी कमर्शियल फेस से। और यहाँ पे मैं क्यों आई हूँ, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कुछ बारबेक्यू खाने का, और मुझे पता चला कि जी यहाँ पे एक बहुत मजे की बारबेक्यू आउटलेट खुली है। आप देख सकते हैं इसका नाम है जस्ट बारबेक्यू। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, और सबा तुम चेक कर कर आ गई हो तो क्या चल रहा है? चेक करके भी आ गई हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ की क्वालिटी, क्योंकि मैं फूड चेक कर रही थी और किचन चेक कर आई थी, मैं किचन ही चेक करने गई थी, मैं ऑयल चेक करने गई थी, मैं चीज़ें, क्योंकि देसी खाने भी जो है ना, अब ऑर्गेनिक खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम लोग खाते ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा खाने में ये हाल है। तो खैर, मैं बारबेक्यू लवर मैं भी हूँ, मुझे रोल पसंद है। तो अच्छा, अभी हम ज़रा अंदर जाते हैं, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो बेस्ट विशेस फॉर यू और जस्ट बारबेक्यू कि आप लोगों ने बहुत मज़ेदार बारबेक्यू जो है इंट्रोड्यूस करवाया है डीएचए में। तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपको ख्याल कैसा आया, आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ माशाल्लाह से। एक्चुअली हम लोग घर में बारबेक्यू बहुत जोरों शोर से बनाते हैं, और हमारे जो फैमिली में लोग हैं वो पसंद करते थे, तो वो हमेशा कहते थे कि आप लोग बारबेक्यू की शॉप क्यों नहीं करते, कोई ब्रांड क्यों नहीं बनाते। तो फ्रोजन में तो हमने थोड़ा सा काम किया था, तो इस क्या कहते हैं मौके पे हमने सोचा कि भाई बारबेक्यू लोग पसंद भी करते हैं, बकरा ईद भी अभी रिसेंटली गुजरी है, तो हमने कहा कि एक ब्रांड हम लॉन्च करते हैं, कोशिश करते हैं बारबेक्यू, जिसमें थोड़ा सा डेली फूड, डेली जायका हो, और लाइक बारबेक्यू जो है वो मसाले वाला हो। अच्छा ये बताएं, आप खामोश हैं और वो बोल रहे हैं, तो क्या घर में वो पकाते हैं खाना सारा बारबेक्यू वो बनाते हैं, या आपकी रेसिपी? मसाला मैं लगाती हूं, सेकते ही हैं। अच्छा, यानी कि मिल बांट के आप लोग मिल बांट के करते हैं। तो रेसिपी आपकी क्या होते हैं, रेडीमेड मसाले होते हैं या रेसिपी आपकी अपनी? नहीं नहीं, रेसिपी हमारी अपनी है, और हमारे जो मसाले हैं वो हम अपने घर के ही सारे यूज करते हैं। ये दिल्ली से ताल्लुक है इनका, तो इनके यहाँ चटपटे खाने होते हैं, तो हमने सोचा हम स्टार्ट कर लें इसको। भाई बहुत अच्छा, और जो फूड लवर हैं और जो मेरी तरह बारबेक्यू खाते हैं, पराठा रोल खाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि डीएचए फेस 6 में जो है आप लोग जरूर आइएगा, और अगर मेरे चैनल के थ्रू आएंगे तो 10% डिस्काउंट। बिल्कुल जी जी, 10% डिस्काउंट मिलेगा जी। और हमारी स्पेशलिटी जो है वो मलाई बोटी है, चटक बोटी है, और बिहारी टिक्के हैं, ये हमारी स्पेशलिटी है, और फ्राई कबाब भी है। बस ठीक है, अभी तो हमने सुन लिया ना, अब हम खाने जा रहे हैं, तो चले हमारा प्लेटर जो है रेडी है, तो अब खाते हैं, इसको जरा ट्राई करते हैं। आ जाए, आ गया है मेरा प्लेटर, और इसमें मैंने चूज किया था कि मुझे क्या क्या खाना है, तो इसमें एक चिकन टिक्का है, सीख कबाब है, बिहारी बोटी है, और यह है चिकन चटखारा, और पराठे जो हैं इसकी सेपरेट हैं, और इसके साथ रायता है और चटनी है। तो जी हम ज़रा ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं खाऊंगी बिहारी, जो इनका बीफ बिहारी है, वो ट्राई करती हैं। मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाली हूँ।
अच्छा, अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि पराठों में क्या है कि ये ग्रीसी नहीं है। ये देखिए मेरे हाथ जो है ना ड्राई हैं। और दूसरी अच्छी बात ये है कि हम पराठे खाते हैं वो बड़े उसको हम लोग अपनी जबान में कहते हैं बड़े खींचने वाले होते हैं ना, ज़रा मुश्किल से टूटते हैं, लेकिन ये उस तरह के नहीं है। ये पूरी पराठा टाइप है और ये मुँह में घुल जाने वाले हैं। तो जी मुझे तो अच्छा लग रहा है। अच्छा मैं सीख कबाब जो है ना ये मैं ऐसे ट्राई करती हूँ। सीख कबाब भी देखें ऑयली नहीं है, बिल्कुल ड्राई। देखो सबा भी तो ट्राई करेगी। सबा तुम्हें क्या अच्छा लगा? तुम वहाँ बैठी हुई क्या तिक्का खा रही थी? हाँ मैं ये बोटी ट्राई करती हूँ। कैसा है? बहुत मजे का यार। मजे का है ना? जैसे हम लोग घर पे बनाते हैं ना, हमारे घर पे बारबेक्यू होते हैं, हम वो बनाते हैं, तो भी इस तरह का है। अब मैं खाने लगी हूँ और मुझे क्योंकि सारा बैटर खाना है, ठीक है ना, तो बस अब टाइम हो गया मेरे जाने का। और आप लोग जो है यहाँ ज़रूर आइएगा। मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ऑर्डर भी कर सकते हैं और यहाँ के आप अपनी गाड़ी में बैठ के भी खा सकते हैं। मैं मिलूँगी किसी और ब्लॉग में अच्छी सी जगह। अंटिल देन बाय बाय।